वैसे फर्स्ट टाइम वोटर के पास भाजपा का कार्यकर्ता पूरी ताकत से पहुंचे। जो महिला वोटर है वो हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं है, तो जिस प्रकार का काम पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किया है वो देखते हुए ये माता बहनों का आशीर्वाद हमको इस चुनाव में प्राप्त करना है और इसके लिए हम ज्यादा सक्रिय रहे, ये भी आग्रह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा। पिछले 10 साल का केंद्र सरकार का कामकाज और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संवैधानिक पद पर आए हुए 23 साल हुए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त, आरोप मुक्त, विकास के आधारित जो हमने सफलता पाई है वो हम मतदाताओं के पास, सामान्य व्यक्ति के पास बात पहुंचाए कि 23 साल के कार्यकाल में इस देश में कोई भी ऐसी सरकार या संवैधानिक पद की व्यक्ति नहीं रही कि जिस पर कुछ आरोप हुए, लेकिन यह पहला समय है कि ऐसे आरोप मुक्त और विकास के आधार पर विकास युक्त ये सरकार, ये कार्यकाल रहा, ये जनता के पास ले जाने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी आग्रह से कहा कि विपक्ष इस चुनाव में तू-तू मैं-मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा, हमारा मतदाता तक पहुंचने का एकमात्र टारगेट विकास के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर देश को दुनिया में गौरव के स्थान पर ले जाने के आधार पर हम जनता के पास जाए और आने वाले चुनाव में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ये भी आग्रह से हम सबको संबोधित करते समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने यह 10 साल की विकास यात्रा एक अभूतपूर्व यात्रा रही जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ इस यात्रा में हम सम्मिलित हुए। इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा उसको शब्दशः सत्य में लाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता देश में जमीन पर जुटे। गरीब, युवा, किसान और महिला, इसको लेकर जो इस मोदी सरकार के द्वारा काम हुए वो जनता तक ले जाने में पार्टी का कार्यकर्ता सफल हुआ। लगभग गांव चलो अभियान में 7.5 लाख से अधिक गांव तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने में सफल हुई। कुल देश में 10,46,000 तक के बूथ है, पोलिंग बूथ जहां 1,000 वोटर होता है, इसमें से 8.5 लाख बूथों तक पहुंचने में सफलता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हासिल की है। इसका भी जिक्र
आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी ने किया। लोकसभा प्रवास योजना में पिछले बार हारे 161 लोकसभा जो निकाली थी उसमें 430 प्रवास केंद्रीय मंत्रियों के हुए, मतलब लगभग एक लोकसभा में तीन प्रवास हुए। लगातार जो 1.5 साल का लोकसभा प्रवास योजना चली उसका नतीजा ये होगा कि इस 161 सीटों में से काफी सीटें जीतने में इस बार हम कामयाब रहेंगे और कार्यकर्ता ने मेहनत के साथ ये कामयाबी हासिल करने का प्रयास किया है। साथ ही महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ संपर्क है, इसका भी एक संपर्क का अभियान पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आने वाले दिनों में और बड़ी मात्रा में चलाया जाएगा और इसके द्वारा समाज के एक बड़े तबके तक मोदी सरकार के विकास की, गरीब के कल्याण की उपलब्धियों की जानकारी उन तक पहुंचाने में कार्यकर्ता सफल रहेंगे। आने वाले 100 दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा व्यक्त की है कि भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर सीधे टारगेट करते हुए वहां के मतदाता तक, आम व्यक्ति तक विकास के बातों को लेकर पहुंचने में सफल होंगे, ये विश्वास आदरणीय अध्यक्ष जी ने व्यक्त किया। आज दोपहर को 3 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसके बाद सभागार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा। आज एक प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा जाएगा जिस पर कार्यकर्ता चर्चा भी करेंगे। विकसित भारत, मोदी गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार, ऐसे कार्यक्रम आज कल आगे चलते रहेंगे जिसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। हमारे यहां से कहने जैसी इतनी बातें थी। धन्यवाद।